प्रश्नावली 8.2 का दूसरा सवाल, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज नाम से स्पष्ट है, जैसा कि समबाहु अर्थात समान भुजा वाला, तीन भुजाएं होती है, तीनों भुजाएं बराबर, ये एक समबाहु त्रिभुज है। अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, ए बी सी। माना कि पहला कोण, माना पहला कोण बराबर एक से, अगर इसको हम x मानेंगे तो तीनों कोण इसके समान होंगे, तो यहां दूसरा कोण भी हो जाएगा x डिग्री और तीसरा कोण भी हो जाएगा x डिग्री। अब चूंकि एक त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। एक कोण का मान x है तो दूसरा भी x, तीसरा भी x बराबर 180 डिग्री। एक x, दो x और तीन x, यहाँ पर तीन x बराबर 180 डिग्री। x का मान ज्ञात करना है, पक्षांतरण करेंगे, गुणा में है, भाग में बदल जाएगा, बराबर 60 डिग्री। अर्थात इन तीनों कोणों का मान 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री होगा।